सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसलिए आया क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी? नंबर वन, इट डज नॉट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। ये नहीं बताता कि हीट ए से बी बॉडी में जा रही है या बी से ए पे जा रही है। फर्स्ट लॉ ये बताता है डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू। वो ये तो बता ही नहीं रहा कि हीट बाहर आ रही है या जा रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है या बाहर निकल रही है, मालूम नहीं इसका क्या हो रहा है। सेकेंड, इट डज नॉट टेल कंडीशन अंडर विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इन टू वर्क। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हीट को वर्क डन में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या हीट को वर्क डन में कन्वर्ट किया जा सकता है? किया जा सकता है, हीट भी एनर्जी और वर्क डन भी एनर्जी की जूल्स है। क्या हीट को हमेशा वर्क डन में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या हीट को ऐसा हो सकता है कि हीट वर्क डन में कन्वर्ट बिल्कुल ना हो, जीरो या थोड़ी बहुत होगी? हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल का आंसर दो, मैंने एक गोली चलाई बुलेट, उसने एक हार्ड ऑब्जेक्ट को हिट किया, बुलेट के पास थी काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने वर्क डन किया बुलेट के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टक्कर हुई और बुलेट गर्म हो गई। तो वर्क डन या जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो गई, डन। अच्छा उल्टा उल्टा, मैं एक मोमबत्ती लेके बैठा हूँ और बुलेट लेके बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ कब बुलेट गर्म होगी और कब भागेगी, मैं वेट कर रहा हूँ पर भाग नहीं रही। तो यानी कि हीट वर्क डन में हमेशा कन्वर्ट नहीं भी हो सकती, पर पता नहीं लग रहा ना, किसी में हो भी जाती है कभी नहीं भी होती, तो मालूम नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। अगर बुलेट को कितना भी गर्म कर दूं वापस वर्क डन नहीं कन्वर्ट हो सकता, पर वर्क डन जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो सकती है। अब समझ में नहीं आ रहा कि कब क्या होगा, ये आपको फर्स्ट लॉ नहीं बताता था इसलिए आपको मालूम नहीं है, ये आपको कौन बताएगा? सेकेंड लॉ बता देगा कब होगी और कब नहीं होगी। नेक्स्ट है, फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट दैट व्हाई होल ऑफ द हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्ट टू वर्क कॉन्टिन्यूसली। सेकेंड लॉ आपको ये भी बता देगा कि आपकी जो हीट एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट होती है, पर अगर आप ये कहें कि 100 जूल की हीट है और 100 जूल का वर्क डन है, ऐसा तो दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई गाड़ी भी परचेज कर लें, उसके अंदर इंजन लगा हुआ है, उसमें आप जब पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं और उसमें क्या होता है, फ्यूल बर्न करते हैं, तो उसमें हीट जनरेट होती है जबरदस्त, वो हीट से गाड़ी चलती है, वर्क डन है। पर कितना अजीब बात है, जितना आप फ्यूल डलवाते हैं उतनी गाड़ी चल नहीं पाती, गाड़ी की एफिशिएंसी बहुत पुअर होती है। तो गाड़ी पेट्रोल या जो फ्यूल है ज्यादा खाती है, एनर्जी ज्यादा लेती है, पर वर्क डन पूरा कन्वर्ट कर नहीं पाती, बहुत वेस्टेज होती है उसमें। ऐसा क्यों? सेकेंड लॉ आपको ये भी बताएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो कुछ कमियां थी फर्स्ट लॉ में जो सेकेंड लॉ पूरी करेगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है? इसकी दो डेफिनेशंस हैं, लेकिन एक बेसिक डेफिनेशन सुन लो। ये डेफिनेशन सेकेंड लॉ ये बताता है कि दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता अपने आप कि हीट ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी में ट्रांसफर हो। हाँ, गर्म से ठंडी तो हो सकती है, पर ठंडी से गर्म नहीं हो सकती, ये सेकेंड लॉ बताता है। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं जो बिना हमसे एनर्जी लिए ठंडी बॉडी से हीट को गर्म में फेंक दे। जैसे आप घर में एसी लगाते हो, एसी बिजली से चलता है, अपने आप नहीं चलता एसी। तो जब आप बिजली से ऑन करते हो, रूम का टेम्परेचर है 25, बाहर है 45, तो एसी 25 में से हीट निकाल निकाल के 45 में फेंकता है, ठंडे से गर्म में। गर्म से ठंडा, तो वैसे खिड़कियां खोल दो गर्मी आ जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन ठंडे से गर्म में एसी चलाना पड़ेगा, अपने आप ऐसा हो नहीं सकता। तो सेकेंड लॉ ये बताता है कि हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी, नेचुरली तो कभी भी नहीं होगी, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा तब हो जाएगी। तो दो साइंटिस्ट से जिन्होंने डेफिनेशन दी, पहला केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल, दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है, हूज सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वॉयर एंड कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। वो कह रहे हैं जी ऐसा कोई दुनिया में प्रोसेस ही नहीं है कि आपने हीट को किसी रिजर्वॉयर से उठाया और सारी की सारी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया, नहीं हो सकता, कुछ तो हो सकता है, सारा नहीं हो सकता। और सेकेंड स्टेटमेंट है, क्लॉजियस स्टेटमेंट है, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है हूज सोल रिजल्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट, ठंडी से गर्म है तो मतलब ही नहीं है, चली जाए हीट। ये दो स्टेटमेंट्स का मतलब एक ही है, इसको इस चैप्टर में स्टडी करवाया जाएगा।